गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे कि आपने स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ ऑप्शन का उपयोग किया था और फिर फाइल मेनू के कुछ ऑप्शन के बारे में भी सीखा था। जैसे कि आप जानते हैं, यह आपकी प्रैक्टिस क्लास है। इस क्लास में आप पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या आप जानते हैं टेबल का उपयोग क्यों करते हैं? टेबल की मदद से आप कोई भी डेटा बना सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट्स रिजल्ट और भी ऑफिस के काम इत्यादि को कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं फाइंड और रिप्लेस का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, फाइंड से आप पेज पर लिखे किसी भी वर्ड अथवा लेटर को फाइंड कर सकते हैं। आपको फाइंड करने के लिए उस लेटर या वर्ड को फाइंड बॉक्स में टाइप करना होगा और रिप्लेस की मदद से आप जिस वर्ड को आपने फाइंड किया है उसे रिप्लेस की मदद से उसे बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं नेविगेटर से क्या होता है? नेविगेटर से आप एक्टिव पेज की जानकारी ले सकते हैं और राइटर के पेज पर एक्टिव कंटेंट्स की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की है तो उसकी संख्या को पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने टेबल इंसर्ट किया है तो यह जान सकते हैं कि कितनी टेबल को इंसर्ट किया है। क्या आप बता सकते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को कैसे हटाते हैं? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को हटाने के लिए आप स्टैंडर्ड टूल बार में नॉन प्रिंटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हट जाएगा। क्या आप जानते हैं अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेब पेज में देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट को वेब पेज में देखने के लिए फाइल मेनू के प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पर क्लिक करना होगा। अब आप कंप्यूटर को ऑन करें और फाइल को ओपन करें। आइए जानते हैं आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे। आज की क्लास में आप पिछली क्लास में जो सिखाया गया था उसका अभ्यास करेंगे। क्या आप बता सकते हैं टेबल क्या होता है? टेबल रो और कॉलम को मिलाने से बनता है। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की हुई लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल ड्रॉ की हुई लाइन को कॉलम बोलते हैं। अब आप टेबल को ड्रॉ करके दिखाएं, जिसके अंदर स्कूल नेम, टोटल स्टूडेंट, टोटल गर्ल्स, टोटल बॉयज, टोटल क्लास इत्यादि की जानकारी हो। आप चाहें तो स्कूल का रिजल्ट भी बना सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसके लिए स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर टेबल विकल्प पे लेकर आए, क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर कॉलम और रो की संख्या को दें, जितना आप कॉलम और टेबल रखना चाहते हैं। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। टेबल इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद टेबल के अंदर आप डिटेल्स को टाइप करें। आप कुछ भी टेबल के अंदर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पहले सेल में नेम देना है, दूसरे में क्लास, तीसरे सेल में रोल नंबर, चौथे सेल में टोटल नंबर, और आखिरी सेल में पास या फेल। फिर उसके बाद आप नेम को टाइप करें,
नेम में आप किसी का भी नाम को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद क्लास वाले सेल में क्लास को टाइप करें, जो भी क्लास है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद रोल नंबर वाले सेल में रोल नंबर को टाइप करें। फिर टोटल नंबर वाले सेल में टोटल नंबर दें। उसके बाद पास और फेल वाले कंडीशन में पास फेल का कंडीशन दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप टेबल को बना सकते हैं। अब आप फाइंड और रिप्लेस का अभ्यास करके दिखाएं। टेबल में जो नेम है उसे फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से बदल के दिखाएं। अगर समस्या है तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कैसे करते हैं। आप अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प पर क्लिक करें और उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे सर्च फॉर के अंदर जो भी आपको टेक्स्ट सर्च करना है उसे सेलेक्ट करें या टाइप करें। और फिर उसे फाइंड पे क्लिक कर दें और फिर यस और ओके पर क्लिक कर दें, जिससे कि वह टेक्स्ट आपका फाइंड हो जाएगा। फिर आपको अगर रिप्लेस करना है तो सर्च फॉर के अंदर उस टेक्स्ट को डालें जिसे आप हटाना चाहते हैं और फिर रिप्लेस के अंदर वह टेक्स्ट को डालें जिसे आप वहां हट के रखना चाहते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद फिर रिप्लेस पर क्लिक कर दें और फिर उसे क्लोज कर दें। फिर आप सर्च फॉर के अंदर उस टेक्स्ट को डालें जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर उसे आप हटाना चाहते हैं तो रिप्लेस के अंदर उस टेक्स्ट को डालें जिसे आप रिप्लेस करके रखना चाहते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर रिप्लेस पर क्लिक कर दें। वह टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा।
तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं। अब आप कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करके दिखाएं, फिर उसे कट करके दिखाएं और उसे दूसरी जगह पर पेस्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि गैलरी विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, गैलरी विकल्प के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर लेकर आए। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे यहाँ पर क्लिक करें, जिससे कि अब बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अलग अलग थीम्स या विकल्प के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पीपल, रूलर्स, स्कूल और भी थीम्स जो हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें जो भी आपको पसंद हो। उस थीम को या पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आप या इसे स्क्रॉल करके ड्रैग करके नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो भी आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करें और फिर आप राइट बटन, माउस या टचपैड के राइट बटन को दबाएं, इंसर्ट पे जाएं, कॉपी सेलेक्ट कर लें या फिर बैकग्राउंड पे जाएं। इन तीनों में से बैकग्राउंड ऑप्शन को सेलेक्ट करें, उसके बाद पेज या पैराग्राफ को ले लें, फिर आप कॉपी पर क्लिक कर दें। आप इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या हाइट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप इसे कट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा चाहिए आपको, फिर से आप उसे सेलेक्ट करें, उस थीम को इंसर्ट पे जाएं, कॉपी पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपके कर्सर के करंट कर्सर के पोजीशन पे वह ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। फिर से आप उसे हटा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर दोबारा से आप इंसर्ट पे जाएं, बैकग्राउंड, पेज, पैराग्राफ, टेबल, टेबल रो, टेबल सेल, क्योंकि आपको टेबल के अंदर इसे रख सकते हैं। पेज पे चाहिए तो पेज पर क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यह पूरे पेज पे ऑब्जेक्ट आपका इंसर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से जाएं, इंसर्ट पे क्लिक करें, सेलेक्ट कर लें और इसे आप ड्रैग करके नीचे देख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप इसे हटा भी सकते हैं। दोबारा से इंसर्ट पे जाएं, बैकग्राउंड, टेबल पे क्लिक करें, जिससे कि यह ऑब्जेक्ट टेबल के अंदर ही इंसर्ट होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप इसे पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके हाइट को, विड्थ को बढ़ा सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको। उसके बाद इसे हाइड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फाइल पे जाएं, न्यू पेज को ले लें,
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। गैलरी से दोबारा से इस चित्र को ले सकते हैं नए पेज पर, या कट करने के बाद इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गैलरी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अब आप नॉन प्रिंटिंग को लगाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूलबार के अंदर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर पर लेकर आए, क्लिक करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जिससे कि आपके टेबल के अंदर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। आप जो भी टाइप करेंगे उसके एंड में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आता जाएगा, या एंटर बटन का उपयोग करेंगे तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आता जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे हटाने के लिए आप दोबारा से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर पर क्लिक करें जाकर, या सिंबल हट जाएगा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर से अपने पॉइंटर को टेबल के अंदर क्लिक करें, स्पेस बार की का उपयोग करें या एंटर बटन का उपयोग करें, फिर से स्पेस बार का उपयोग करें, एंटर बटन का उपयोग करें। अब देखिए कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इंसर्ट नहीं हो रहा है। दोबारा से आपको इंसर्ट करना है, आप स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जाएं, क्लिक करें, इंसर्ट हो जाएगा। जहां जहां भी आप स्पेस बार का उपयोग करेंगे या एंटर बटन का उपयोग करेंगे वहां पे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। अब आप जूम का अभ्यास करें, पेज के साइज को 400 यानी 400% करके दिखाएं, फिर पेज के साइज को 50% यानी 50% करके दिखाएं, उसके बाद पेज साइज को नॉर्मल करके दिखाएं। अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि जूम ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। जूम के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के जूम विकल्प पे लेकर आए, यहाँ पे क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आप वेरिएबल विकल्प के सामने जूम के साइज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद ओके कर दें। अब आप इसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर से आप जूम पर जाएं, क्लिक करें, यहाँ से वेरिएबल से इसको साइज को कम करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
इस तरह से आप पेज के साइज को ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, दोबारा से इसको सही करना है तो आप 100% पेज के साइज को कर दें। इस तरह से आप जूम कर सकते हैं। अब आप सेंड ऑप्शन का अभ्यास करके दिखाएं, जिसमें फाइल पीडीएफ में हो। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें। आइए अब सेंड विकल्प का उपयोग करना सीखते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के फाइल ऑप्शन पर लेकर आए, उसके बाद यहाँ पे सेंड विकल्प को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट एज ईमेल पर क्लिक कर दें या ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जो भी आपको चाहिए उसे सेलेक्ट कर लें, या आपको अपनी फाइल को पीडीएफ में लेना है तो पीडीएफ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और फिर सेंड पर क्लिक कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना होगा जिसको आप भेजना चाहते हैं, या उसके नाम को टाइप करना होगा। ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद आप सेंड पर क्लिक कर दें, जिससे कि यह डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेंड विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अब आप टेम्पलेट्स का अभ्यास करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टेम्पलेट विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। टेम्पलेट विकल्प के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फाइल ऑप्शन पे लेकर आए, क्लिक करें यहाँ पे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद टेम्पलेट पे क्लिक करें, फिर उसके बाद सेव विकल्प पे जाकर क्लिक करें और न्यू टेम्पलेट के अंदर टेम्पलेट को टाइप करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो भी चाहें आप टेम्पलेट में टाइप कर सकते हैं। फिर दोबारा से जाएं फाइल पे, टेम्पलेट पे क्लिक करें, ऑर्गेनाइज पे क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लें जिसे आप ऐड करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आप फाइल के नाम को दें, फिर आप उसे क्लोज कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर को देखें, डॉक्यूमेंट्स में जाएं या डेस्कटॉप पे देखें उसको। अब इस फाइल को ओपन कर लें।
इस तरह से आप टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। अब आप अपने पेज वेब पेज में लाके दिखाएं। अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के फाइल ऑप्शन पर लेकर आएं। उसके बाद अपने पॉइंटर को प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पर क्लिक कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपका यह पेज वेब ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसे ठीक करने के लिए क्लोज कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से आप प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर का उपयोग कर सकते हैं। अब आप प्रिंटर सेटिंग का अभ्यास करके दिखाएं। अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि प्रिंटर सेटिंग विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, प्रिंटर सेटिंग के लिए आप मेनू बार के फाइल ऑप्शन पर जाएं, क्लिक करें, यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग को सेलेक्ट करें। उसके बाद एक बॉक्स आएगा, वहाँ से आपको प्रिंटर सेटअप के नेम लेना है। जो भी आपका प्रिंटर का नाम है उसे सेलेक्ट कर लें, उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एडवांस पे क्लिक करें। एडवांस के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं, पेपर आउटपुट, ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, प्रिंटर फीचर्स, लेआउट ऑप्शन, जो भी आपको देखने हैं उसको चेक कर लें। प्रिंटर शॉर्टकट्स के द्वारा आप प्रिंट की क्वालिटी को देख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए प्रिंट की क्वालिटी, नॉर्मल, फास्ट ड्राफ्ट, फास्ट नॉर्मल, बेस्ट, आप उसको सेलेक्ट करें। पेपर के टाइप को सेलेक्ट कर लें, पेपर के साइज को सेलेक्ट कर लें, लेटर चाहिए, A4 साइज चाहिए, जो भी चाहिए आपको सेलेक्ट कर लें। ओरिएंटेशन, प्रिंट ऑन बोथ साइड, पेपर के दोनों साइड आपको प्रिंट चाहिए। उसके बाद आप पेपर क्वालिटी को चेक कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो भी डिस्प्ले चाहिए आपको साइज, यहां से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद क्लोज कर दें। उसके प्रिंट के क्वालिटी को यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर आप इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप उसके रिसाइजिंग ऑप्शन को देख सकते हैं, पेज के जूमिंग को देख सकते हैं, पेज का जूम साइज कितना रखना है। आप पेज पर वाटरमार्क दे सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। फिर आप ऑप्शन पर क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रिंटर ऑप्शन आ जाएगा, जिससे कि कंटेंट्स, पेजेस, कमेंट्स, कंटेंट्स के अंदर आप पिक्चर्स, फॉर्म, पेज बैकग्राउंड जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये जो भी चेंजेस करने चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके करना होता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अदर के अंदर आप प्रिंट ऑटोमेटिकली या पेपर ट्रे, दोनों विकल्प में से एक विकल्प को जो भी चाहिए आपको सेलेक्ट कर सकते हैं या दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फैक्स की सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जो भी चेंजेस करने हो चेंज करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। इस तरह से आप प्रिंटर सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अपने फाइल को यहीं पर क्लोज करें और अपने कंप्यूटर को शटडाउन करें। आज की क्लास में आपने पिछले क्लास का रिवीजन किया और स्टैंडर्ड टूल बार के बचे हुए ऑप्शन जैसे कि टेबल, फाइंड और रिप्लेस, नेविगेटर, जूम इत्यादि और फाइल मेनू के कुछ विकल्प जैसे कि सेंड, टेम्पलेट्स, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, प्रिंटर सेटिंग का अभ्यास किया।